माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो अगेन बेबी केयर से ही रिलेटेड है। मतलब आज मैं एक मसाज ऑयल का रिव्यू लेके आई हूँ। स्पेशली विंटर्स आने वाली हैं तो जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है कि विंटर्स में अपने बेबी को जो है वो किस ऑयल से मसाज दें जो उसके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करे, उसकी स्किन को भी अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और स्पेशली जो है वो विंटर्स में अच्छे से वर्क करे आपके बेबी के साथ। तो ऐसी एक ऑयल का जो है मैं रिव्यू आप सबके साथ करने वाली हूँ और वो ऑयल ऐसा है कि आप अपनी बेबी के लिए तो उसे यूज़ कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप अपने लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं बात कर रही हूँ डाबर के बादाम तेल की, जो कि 100% प्योर है ऐसा इन्होंने इसमें लिख रखा है, ठीक है। तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो ड्राई सी हम सभी की रहने लगती है, बेबीज़ के साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको भी थोड़ा सा ड्राइनेस वगैरह हो जाता है और स्किन में थोड़ी सी खुश्की टाइप की हो जाती है और उनके स्कैल्प भी जो है वो व्हाइट कलर का पपड़ी पपड़ी सा जो है वो जम जाता है। बट मेरे बेबी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बिकॉज मैं उसको अच्छे से रोज जो है वो मसाज देती थी, उसके हेड को स्कैल्प को भी देती थी स्पेशली जो है वो। और ज़्यादातर मैं जो है वो विंटर्स में मैं ये वाला जो बादाम तेल आता है मैं इससे उसको मसाज देना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑयल है ये। तो इसके इंग्रेडिएंट में भी उन्होंने लिख रखा है कि बादाम तेल 100%, ठीक है। और इन्होंने जो ये बादाम तेल ही इन्होंने 100% इसमें यूज़ कर रखा है और यूजेस जो इन्होंने लिख रखे हैं कि आप यूज़ कैसे करोगे, इन्होंने इसमें लिख रखा है कि 5 to 10 ml अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और आप उसे पीने को देना चाहते हो तो वो भी इन्होंने इसमें लिख रखा है कि 5 to 10 ml जो है वो आप अपने बच्चे को दे सकते हो। एक ग्लास मिल्क के साथ आप दे सकते हो, बट मेरा बेबी तो अभी छोटा है तो मैंने उसको पीने के लिए टू बी ऑनेस्ट नहीं दिया है। बट इसमें लिखा है कि कैन ऑल्सो बी अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन स्कैल्प स्कैल्प एंड बॉडी, मतलब आप अपने बच्चे के हेयर यहाँ पे स्कैल्प में भी यूज़ कर सकते हो, उसके हेयर्स में भी लगा सकते हो और उसकी बॉडी को भी अच्छे से मसाज दे सकते हो, इस ऑयल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसमें उन्होंने इसमें बोल रखा है कि कीप एट रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम डायरेक्ट लाइट, आपको डायरेक्ट लाइट से दूर रखना है। तो ये वाली जो मेरे पास बादाम तेल की बॉटल है डाबर की, ये 50 ml की है एंड 220 rupees इसकी MRP है। डिफरेंट टाइम पे आपको डिफरेंट ऑफर्स के साथ अलग अलग MRP पे अलग अलग रेट में मिल सकती है, तो आप देख लीजिएगा जब आप बाय करो तो किस रेट में मिल रही है। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 years की है, 2 years तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, 2 years तक बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई स्किन पर लगाने से बच्चे के कोई असर पड़ता है या नहीं। तो मैंने अपने बेबी को जो है वो इसको काफ़ी टाइम तक मैंने उसको यूज़ करा है, उसके बाद ही मैं आपके साथ इसका जो है वो रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और ये वाली शीशी भी आप देख सकते हो मैं इतनी यूज़ कर चुकी हूँ उसके ऊपर, बट मैं इसको समर्स में बिल्कुल भी लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। अगर हार्डली मंथ में एक दो बार अगर लगा दूँ तो लगा दूँ, वरना जल्दी से नहीं लगाती हूँ मैं, डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। लेकिन मैं उसको विंटर्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन आराम से मैं इसको लगाना जो है वो प्रेफर करती हूँ। विंटर्स में 1 week में जो है वो मैं 2-3 बार उसको ज़रूर इससे मसाज देना प्रेफर करती हूँ, उसके स्कैल्प पर भी लगाती हूँ ताकि उसका जो स्कैल्प है उसमें बिल्कुल भी वाइट सा दिक्कत ना हो और जो उसके हेयर्स हैं वो भी सॉफ्ट रहे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। और बात करें स्किन की तो स्किन भी वाकई से सॉफ्ट भी रहती है, और अगर आप अपने बेबी को धूप में लेटालते हो मसाज वगैरह देते हो तो ये वाला ऑयल जो है वो अप्लाई करने से उसको सन टैनिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज ज़्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें धूप में रखते ही हैं हम लोग विंटर्स के टाइम पर, तो उस समय जो है सन टैनिंग वगैरह का दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप ये वाला ऑयल यूज़ करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और इसकी जो स्किन है वो भी अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहेगी और उसके बोन्स में भी अच्छा सा न्यूट्रिशन जो है वो उसको प्रोवाइड होगा। आप सबको पता है बादाम कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो उसका ऑयल तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर इससे आप अपने बेबी को मसाज देते हो तो डेफिनेटली उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। समर्स में आप थोड़ा अवॉइड करो, कभी कभी यूज़ करो, बट विंटर्स में आप हफ्ते में 2-3 बार ईजिली उसको यूज़ कर सकते हो और चाहो तो कंटिन्यूसली भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जो बेबी है अगर सेंसिटिव स्किन का है तो प्लीज़ पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद ही इसे यूज़ करो। सिर्फ मेरे कहने से यूज़ मत करो, मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने अपनी बेबी के ऊपर यूज़ करा तो उसे जो है वो कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ, उसको अच्छे से ये सूट करा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी टेक्सचर की और इसकी जो फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस इसकी बहुत अच्छी नहीं आती है बिकॉज ये प्योर बादाम का तेल है, तो इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही ज़्यादा बादाम वाली ही है। कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस इसमें ऐड नहीं कर रखी उन्होंने और ये बहुत ही ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में है और एकदम लाइट वेट आलमंड ऑयल है, एकदम लाइट वेट।
बहुत ही जल्दी से स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम ही लेता है एब्जॉर्ब होने में और जल्दी से हो जाता है। फ्रेगनेंस जो है वो बिल्कुल ही बादाम वाली है, बहुत अच्छी सी बादाम वाली ही खुशबू आती है इसमें से, एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, और स्किन में अच्छी सी शाइन भी आती है अगर आप रेगुलरली अपने बेबी को ये लगाते हो तो। थोड़ा सा येलोइश कलर का ही इसमें से जो है वो प्रोडक्ट निकल कर आता है। बाकी मैं जो है वो उसको जो ऑयल्स हैं वो बदल बदल के यूज़ करती हूँ, उसको मसाज देती हूँ, और अगर आप चाहो तो उन सब ऑयल्स का भी रिव्यू मेरे चैनल पे देख सकते हो। मेरे चैनल पे बहुत सारे जो है वो मसाज ऑयल्स का रिव्यू पड़ा हुआ है जो मैं अपने बेबी को जिससे मसाज देती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वाला जो है वो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो मेरे आपके स्क्रीन पर रेड कलर से सब्सक्राइब लेकर आ रहा होगा, आप उसे टच करोगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन भी जरूर हिट कर देना जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।